नमस्ते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्ते। बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई कोई एग्जाम देनी पड़ती है, कितनी जगह पर नकल करोगे जी। और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकांत एग्जाम को तो निकल जाएगा लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उन्होंने परीक्षा योद्धा के लिए 25 सिद्धांत बताए हैं, 25 मंत्र बताए हैं और वो किताब आप लोगों को दिए जाने का प्रावधान था लेकिन वो किताबों की बाजार में उपलब्धता कम होने के कारण कुछ ही विद्यालयों में वो किताबें विद्यालय खरीद पाए, लेकिन हमने उसको डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के माध्यम से हमने सभी स्कूलों को दी हैं। और अभी आपसे प्रश्न पूछा भी गया था क्योंकि जो टाइम है हमारे पास ये गोल्डन पीरियड है, जो समय है समय की कोई कीमत नहीं होती लेकिन समय ऐसा है कि उसको खरीदा नहीं जा सकता और वो दोबारा परीक्षा के कुछ समय पहले छात्रों में जो परीक्षा को लेकर एक भय व्याप्त होता है, एक तनाव का वातावरण होता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। और आज आपने देखा श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का मैं तो कहूँ कि वो कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हर चीज का, चाहे विद्यार्थियों का हो, चाहे टीचर्स का हो, चाहे प्रिंसिपल्स का हो, छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे जो उनके मन में शंकाएं होती हैं और जो उनके अंदर एक गलतियां होती हैं, उन सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इस विद्यालय में लगातार मेरा बार बार अनुरोध होता है, पहले ही ये विद्यालय है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेरा ज्यादा होता है। नेगी जी को प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया था तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे तो उनके साथ भी आना हुआ, तो आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं अपनी बात परीक्षा से चर्चा से शुरू करूंगा कि जब प्रधानाचार्य जी ने आप लोगों से पूछा कौन सी बात सबसे अच्छी लगी तो एक बच्चे ने बताया खड़े होके कि कड़ी मेहनत यानी के संघर्ष। लेकिन क्या इतने लंबे वार्तालाप में और कोई बात किसी बच्चे को अच्छी लगी नहीं? कोई अच्छे से बोल लेते जिससे कि जब कैमरा जा रहा था ना पबजी में, इतनी बार पबजी जीती थी मतलब कि उनके चेहरे पर कोई भी बोरिंग फीलिंग नहीं हो रही थी और मतलब उत्साह के साथ उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे।